good morning students today i am here with a new chapter of second term syllabus chapter 10 that is types and elements of maps in this chapter we will study about maps and their elements different types of maps directions scale conventional sign or symbols color scheme and etc so focus here टू द्वाइंट अर्थ आवर अर्थ इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम हमारी पृथ्वी सौर्यमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है दिस इज द ओनली प्लानिट वेयर लाइफ एग्जिस्ट आवर अर्थ कॉम्प्राइजेज लार्ज लैंड मासस कॉल द कॉन्टिनेंट एंड द वॉटर बॉडीज नोन एज द ओशन सीज रिवर्स लेक्स एंड गल्फ्स हमारी पृथ्वी में बड़े लैंड मार्क्सेस शामिल हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज कहते हैं वाटर बॉडीज ओशन सीज रिवर्स लेक्स गुल्फ्स, गीज आर ओके नेक्स्ट टॉपिक मैप्स अ मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस मैप मीन्स नक्शा पृथ्वी का नक्शा जिस पे डिफरेंट रिवर्स रोड्स माउंटेंस ये सारी चीज़ें शो की जाती हैं अ मैप शो वेरियस फीचर्स सच एज़ क्रॉप्स मिनरल्स इंडस्ट्रीज एंड इवन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो तो दैट मीन्स जैसे कि अभी मैंने बताया मैप जो है वो वेरियस फीचर्स को शो करता है जैसे कि क्रॉप्स मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ इवन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सारी चीज़ों को वो शो करता है राइट मैप्स आर ईजी टू हैंडल द डिटेल्स आर शॉन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिम्बॉल्स वर्ड्स लाइन्स एंड कलर्स मैप्स को हैंडल करना बहुत ईजी है द डिटेल्स आर शॉन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिम्बॉल्स वर्ड्स लाइन्स एंड कलर्स अब जो डिटेल शो किया जाता है शो किया जाता है मैप पे वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, वर्ड्स लाइन्स और कलर्स का यूज करके हम लोग डिटेल्स को शो करते हैं मैप पे, राइट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इन्फॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन ये बहुत ही मुश्किल होता है समझना कि एक मैप जो है वो कितने सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ़ दैट हम लोग डिफरेंट सिम्बल्स वर्ड्स लाइन्स कलर्स का यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को मैप के ऊपर शो करने के लिए उनके डिटेल्स को शो करने के लिए लाइक क्रॉप्स इंडस्ट्रीज मिनरल्स रोड्स यू कैन से दैट द माउंटेंस ऑल्सो राइट एंड एक्सेट्रा नेक्स्ट वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स शोइंग द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस हम लोग जो हैं वो मैप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को भी ड्रॉ करते हैं क्यों क्योंकि हम होल अर्थ होल अर्थ या फिर उसके पार्ट्स को शो कर सके राइट ऑन द मैप इट कैन भी फोल्डेड एंड इवन प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक इसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं और एज अ बुक की तरह हम बुक के फॉर्म में इसे प्रिंट भी करके कैरी कर सकते हैं इट्स वेरी ईजी टू हैंडल एंड कैरी वी कैन हैव मैप्स शोइंग कॉन्टीनेंट्स कंट्रीज इस्टेट्स और इवन योर सिटी और विलेज हम लोग मैप को रख सकते हैं किस चीज़ को शो करने के लिए कॉन्टीनेंट्स कंट्रीज स्टेट्स इवन आवर सिटी और विज ऑल्सो तो ये सारी चीज़ों को शो करने के लिए हम लोग मैप का यूज़ करते हैं वी कैन प्लॉट अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट दाइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफ़ी अब मैप मेकिंग का जो साइंस होता है उसे हम क्या कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं राइट मैप कैन बी ऑफ़ डिफरेंट साइजेस मैप जो हैं वो अलग अलग साइज़ेस के भी हो सकते हैं वॉल मैप्स आर वेरी ह्यूज मैप्स विच आर यूज फॉर डिस्प्ले वॉल मैप्स जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये बहुत बड़े साइज का होता है वॉल मैप्स जो कि डिस्प्ले किया जाता है लोगों को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है वी कैन बाइंड द मैप्स इन द फॉर्म ऑफ बुक ठीक है वॉल मैप्स का यूज़ हम लोग डिस्प्ले करने के लिए करते हैं अगर हमें किसी लोकेशंस को किसी प्लेस को क्रॉप्स uh, या इंडस्ट्रीज मिनरल जैसे थिंग्स uh, को अगर हमें शो ऑफ करना है किसी को डिस्प्ले करना है तो इस चीज़ के लिए हम लोग वॉल मैप्स का प्रयोग करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वी कैन बाइंड द मैप्स इन द फॉर्म ऑफ बुक हम लोग मैप को बाइंड करके भी बुक के फॉर्म में कैरी कर सकते हैं एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स और सम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स पिक्चर्स टेबल्स चार्ट एंड सिम्बल्स एटलस को बुक ऑफ मैप कहा जाता है आप ऐसा भी बोल सकते हो सम टाइम्स ऑफ इंफॉर्मेशन राइट जिसमें कि पिक्चर्स इंक्लूड होते हैं टेबल्स इंक्लूड होते हैं चार्ट्स सिंबल्स एंड एक्सेट्रा ओके Now, next topic is types of maps. There are three types of maps. First one is political maps, second one is physical maps, third one is thematic maps. What is political maps? Political maps show different countries, states, administrative divisions, cities, and towns in a country. पॉलिटिकल मैप्स किन किन चीज़ों को शो करता है डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स सिटीज एंड टाउन्स इन अ कंट्री फिजिकल मैप्स फिजिकल मैप्स शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स रिवर्स प्लेन्स प्लेटक्स एंड अदर फीचर्स थर्ड वन इज थमेटिकल मैप्स वॉट इज इट थमेटिकल मैप्स शो Details of a certain theme such as rainfall, forest, soil, weather, roads and crops distribution, right? So these are the three types of maps and uh, shows the different different things on a map. Now, direction on a map. Next topic is direction on map. We, we know that there are four major directions called the cardinal directions these are north south east and west you can see the picture of map on a page number 80 and 81 okay on the page number 80 there is given the picture of a map and on the page number 81 there is uh, given the picture of directions on a map you can see in your book okay so uh, the top of this map ऑलवेज शोज़ द नॉर्थ नॉर्थ जो डायरेक्शन है इसका वो कहाँ पे शो करता है इस मैप के टॉप वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा क्या कहलाता है नॉर्थ कहलाता है एंड द बॉटम रिप्रेजेंट्स द साउथ एंड बॉटम वाला जो हिस्सा होता है वो साउथ को रिप्रेजेंट्स करता है टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड इज द ईस्ट अब आपके राइट हैंड साइड में जो हिस्सा आपको दिखेगा वो ईस्ट कहलाएगा एंड द वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट ठीक है और आपके वेस्ट साइड में जो आपको लोकेशन दिखेगा राइट डायरेक्शन दिखेगा वो क्या कहलाएगा वेस्ट तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नॉर्थ किस साइड होता है साउथ की साइड होता है ईस्ट किस साइड होता है वेस्ट किस साइड होता है टॉप में नॉर्थ होता है इन द बॉटम बॉटम रिप्रेजेंट्स साउथ टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड इज़ द ईस्ट एंड द वेस्ट इज़ ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड राइट So, you can uh, look at the adjoining outline map of India on the given page number 81. Okay. Nepal is towards the north, Sri Lanka is in the south, Myanmar is in the east, and Pakistan is in the west of India. You can see in the picture direction on a map, page number 81. I am repeating again. You can see very clearly there is mention. Nepal is towards the north, Sri Lanka is in the south, Myanmar is in the east, and Pakistan is in the west of India. Once we are sure about these four main directions, we can easily develop the sub directions or intermediate directions like the northeast, southeast, northwest, and southwest. This scheme of directions is followed in every country of the world. अब जो दिए गए मैप का डायरेक्शन का जो पिक्चर दिया गया है डायरेक्शन ऑन मैप पेज नंबर एटी वन पे उस पर क्लियर क्लियर आप देख सकते हैं कि नेपाल जो है वो आपको नॉर्थ साइड में शो ऑफ कर रहा होगा मेंशन कर, किया गया होगा मैप में श्रीलंका को साउथ के डायरेक्शन में शो किया गया है म्यांमार इज़ इन ईस्ट एंड पाकिस्तान इज इन वेस्ट ऑफ इंडिया राइट सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल डिस्टेंसिज सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन एनी टू प्लेसेस हम लोग ग्राउंड से मतलब कि दो प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ग्राउंड पे उसे तो हम अच्छे से जानते हैं कि दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे वो क्या होगा बट सेम डिस्टेंस को हम मैप पे नहीं शो कर सकते क्योंकि मैप शोज स्मॉलर डिस्टेंसेस दस देयर इज़ अ रेसियो बिटवीन द डिस्टेंस On the map and the actual distance on the ground. This ratio is known as the scale of the map. What is the scale of the map? So, whatever I have explained just right now, thus there is a ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. This ratio is known as the scale of the map. This can be shown in many ways. Generally, it is mentioned in the corner of the map. Okay. सो नाओ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट स्केल वॉट इज इट इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेज ऑन द ग्राउंड इज वन किलोमीटर अगर दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड पर एक किलोमीटर है वन किलोमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस और वही दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मैप पर वन सेंटीमीटर है वी कैन से दैट वन किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वन सेंटीमीटर ऑन द मैप मीन्स जो डिस्टेंस हमें ग्राउंड पे वन किलोमीटर दिखा रहा है दो प्लेसेस के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस वही डिस्टेंस हमें मैप पर वन सेंटीमीटर शो कर रहा है तो वी कैन से दैट वन किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन सेंटीमीटर ऑन द मैप और यू कैन से दैट वन सेंटीमीटर रेसियो वन किलोमीटर गॉड इट now come to the next point linear scale what is it in this method a line is divided into some equal parts you can see on the given diagram on page number 82 in this method a line is divided into some equal parts it is used on maps to show the relationship between a particular distance on map and the actual distance on the earth a linear scale is also called a बार स्केल और ग्राफिक ग्राफिक स्केल ओके सो इस मेथड में क्या होता है कि लाइन को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इसका यूज़ हम लोग मैप के ऊपर करते हैं किस चीज़ को शो करने के लिए रिलेशन बिटवीन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ और लीनियर स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केल और अ ग्राफिक स्केल लीनियर स्केल को बार स्केल और ग्राफिक स्केल भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल देर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स स्केल के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के मैप होते हैं कौन कौन लेट्स द लार्ज स्केल मैप्स सो मोर डिटेल्स अबाउट स्मॉल एरियाज सच एज द लोकेलिटी और कॉलोनी विथ ग्रेट डिटेल द गाइड मैप्स ऑफ अ सिटी और टाउन आर लार्ज स्केल मैप्स ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल Large scale maps, small scale maps. I have explained the large scale maps. Now, the small scale maps. Small scale maps show large areas like a country or continent with fewer details. They provide general information of a large area. The scale helps us to measure the actual distance on the map and, the convert and then convert it into ground distance all the maps are always according to some scale a map which is not according to scale is a sketch now come to the next point color scheme some maps are shaded with different colors maps different colors shaded we can show and draw a variety of information with the help of colors शो uh, कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलर की मदद से राइट वाटर बॉडीज लाइक ओशन सीज लेक्स एंड रिवर्स आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर अब ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ओशंस सीज लेक्स रिवर्स इन सारी चीज़ों को हम लोग मैप पे ब्लू कलर से शो करते हैं लाइट ब्लू इज़ यूज फॉर शैलो वाटर एंड डार्क ब्लू शोज़ डीप वाटर राइट तो यहाँ पे आपको कलर्स इसकी इसलिए बताया गया है कि आप किन किन कलर का यूज़ करते हो किन चीज़ों को शो करने के लिए मैप के ऊपर राइट ऑन अ मैप ग्रीन कलर शोज़ प्लेन एंड फॉरेस्ट एरियाज़ अब मैप के ऊपर हम लोग ग्रीन कलर का यूज़ फॉरेस्ट एरियाज़ को शो करने के लिए करते हैं प्लेन एंड फॉरेस्ट एरिया को शो करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं लाइट ब्राउन कलर इज़ यूज टू शो प्लेट लाइट ब्राउन कलर का यूज़ प्लेटक्स को शो करने के लिए करते हैं डार्क ब्राउन इज़ यूज टू शो माउंटेन्स डार्क ब्राउन कलर का यूज़ माउंटेन को शो करने के लिए करते हैं एंड येलो कलर टू शो एग्रीकल्चरल लैंड और येलो कलर का यूज़ हम लोग agricultural land to show right so there is given so many different colors to show of the things on a map okay a key or legend is always made on a map to tell the meaning of the color used on the map it is generally in the box in the corner of a map almost the same color scheme is used on all maps so you can see on the page number 83 there is given uh, we are giving a table to represent the color scheme on a map. there is mentioned some colors which is denoted to the different different physical features on a map okay so they are uh, uh, denotes or locates the different physical features on a map. you can see on the page number 83 name of the color blue water bodies, light brown black, twigs, dark brown mountains, yellow, agricultural land and the green forest and, Pains. Now, come to the next point conventional signs or symbols. We use a variety of symbols or signs on a map. The signs and symbols used to show various features on the map are called the conventional signs. कन्वेंशनल सिम्बल्स सॉरी और यू कैन से दैट साइन ऑल्सो ओके तो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे वेराइटी के सिम्बल्स को या फिर साइंस को मैप के ऊपर ठीक है क्यों क्योंकि ये साइंस सिम्बल्स जो हैं वो हमें शो करते हैं वेरियस फीचर्स को मैप के ऊपर मतलब आ, हम लोग साइंस सिम्बल्स का यूज़ मैप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिज़िकल फीचर्स को शो करने के लिए करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं कन्वेंसनल सिम्बल्स और साइन राइट और यू कैन सी ऑन पेज नंबर एट्टी थ्री यू कैन सी देर देर इज गिविन द डायग्राम कन्वेंशनल साइन और सिम्बॉल्स यूज ऑन अ मैप लाइक फॉर बाउंड्री इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन सब के लिए अलग अलग सिम्बॉल यूज किए गए हैं पेज नंबर एट्टी थ्री पर डाइग्राम ड्रॉ किया गया है आप देख सकते हो वहाँ पर बाउंड्री में आपका इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्बॉल्स का यूज़ किया गया है फिर आ जाते हैं रोड्स में रोड्स में भी डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स का यूज़ किया गया है मेटेल्ड अनमेटल्ड, फुटपाथ रेलवे में आ जाए अगर हम लोग रेलवे को देख लें तो उसमें ब्रॉड गॉज और मीटर गॉज जो होता है उनको डिफरेंट सिम्बल से शो किया गया है वाटर सिस्टम स्ट्रीम रिवर बेड ड्राए टैंक पेरनील डैम कैनल रिवर बेड विथ स्ट्रीम टैंक ड्राइव ब्रिज ये सारे जो भी वाटर सिस्टम है इन सब को अलग अलग सिंबल और साइंस से शो किया जाता है मैप के ऊपर जिसे हम कन्वेंशनल सिंबल एंड साइंस कहते हैं फिर वेजिटेशन के लिए जैसे वेजिटेशन हो गया उसमें ग्रास हो गया स्वैम्प हो गया कॉनिफर्स हो गए इन सब के लिए अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ करना मोन्यूमेंट्स फोर्ट चर्च टेम्पल मॉस्क्यो settlement village police station post office and etc so so many uh, diagram has given on the page number 83 to show the through the uh, conventional symbols and signs we can show boundary roads railway water system vegetation monuments settlements and so many things symbols are made according to the scale symbols do वो स्केल के अकॉर्डिंग बनते हैं दीज कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट कलर्स और इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से ड्रॉ किया जाता है अ की ऑन अ मैप एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ दीज सिम्बॉल्स मैप पे जो की होते हैं वो इनके सिम्बॉल्स को के मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं राइट और वी कैन ईजली रिमेंबर दीज सिम्बॉल्स ऑन द मैप विथ अ लिटिल प्रैक्टिस और हम लोग इसे बहुत ईजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये जो सिम्बॉल्स होते हैं मैप के ऊपर इन्हें हम बहुत ईजली रिमेंबर कर सकते हैं थोड़े से प्रैक्टिस के साथ अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम मैप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं राइट तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम कलर्स सिंबल्स साइंस स्केल्स डिस्टेंसेस इन सब का यूज़ करते हैं मैप के ऊपर डिफरेंट टाइप टाइप के चीज़ों को शो करने के लिए राइट तो ये जो भी इस चैप्टर में आज हमने पढ़ा टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स में हमने बेसिकली मैप्स के बारे में पढ़ा मैप क्या होता है इनका यूज़ क्या होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं किन किन चीज़ों का किन किन सिम्बॉल्स साइंस कलर्स वर्ड्स लाइन्स इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं किन किन चीज़ों को शो करने के लिए मैप्स के ऊपर ठीक है तो हमने आज इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा मैप्स से रिलेटेड ठीक है मैप के थ्रू हम कैसे लोकेशंस को प्लेसेस को माउंटेंस इंडस्ट्रीज मिनरल्स क्रॉप्स राइट रोड इन सारी चीज़ों को हम कैसे शो कर सकते हैं मैप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स साइंस का यूज़ करके कलर्स लाइन्स वर्ड्स का यूज़ करके मैप्स कितने प्रकार के होते हैं एंड सो मैनी थिंग्स एक्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस चैप्टर में पढ़ी होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली सो टिल देन बाय टेक केयर एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लासेस थैंक यू